अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के बीच उत्तर कोरिया के ताजा हालात पर हुई बातचीत। राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह परमाणु मुक्त करने की दोहराई बात। जर्मनी की सरकार वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे कोवैक्स वैक्सीन प्रोग्राम को 100 मिलियन यूरो की देगी मदद। इसके साथ ही जर्मनी की सरकार सीधे तौर पर गरीब देशों को देगी 3 करोड़ कोरोना वैक्सीन। चांसलर एंजेला मर्केल ने की घोषणा। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ने कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट हटाए जाने की पहल का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ कई देश इस पर जता चुके हैं सहमति। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दूसरी बार नेपाली संसद को किया भंग। इसी साल नवंबर में चुनाव कराने का किया गया था फैसला। शनिवार को नेपाल में विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने संसद भंग करने पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसले के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की बात कही थी। चीन के यूनान प्रांत में आया जबरदस्त भूकंप। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के चलते 3 लोगों की हुई मौत। 28 से ज्यादा लोग घायल। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के चलते कई घरों को खाली करा दिया गया। सेंटा बारबरा शहर में लगी इस आग के चलते 50 से ज्यादा घरों और दफ्तरों पर मंडरा रहा है खतरा। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक चपेट में आकर 34,60,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। संक्रमितों की तादाद 16,65,00,000 के पार। 14,73,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक। कोरोना मामलों में कमी आने के साथ इटली के समुद्री तटों पर लोगों के जाने पर लगी पाबंदी हटाई गई। पाबंदी हटते ही सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया समुद्री तटों का रुख। देश भर में रोजाना 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं सामने। चीनी रोवर ने शनिवार को पहली बार मंगल की सतह पर की चहलकदमी। चीन अपने पहले मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना।